ये देखिए सबसे पहले तस्वीर दस डी न्यूज पर हम दिखा रहे हैं कि देखिए मजदूरों का आना शुरू हो गया। ये सबसे पहले मजदूर है जो इस ट्रेन से उतरे हैं, सबसे पहले दस डी न्यूज दिखा रहा है आपको। ये देखिए कि जो सबसे पहले मजदूर है ये उतरे हैं, पुलिस के जो टीम है वो उनको बता रही है कि किस तरह से उनको जाना है, कहां पर जाना है। ये इस वक्त की सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दस डी न्यूज पर कि मजदूरों का आना जो है ट्रेन से उतरने के बाद उनका सिलसिला शुरू हो रहा है। ये मजदूर है जो है जयपुर से जो खुली थी उसको लेकर के, जो ट्रेन स्पेशल चली है उसको लेकर के उतर गई है। ये तमाम लोग जो है आ रहे हैं, साफ तौर पर उनके चेहरों को भी अगर देखा जाए तो खुशी ज़रूर है कि ये अपने घर पर पहुंचे हैं। ये विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, सफ़र को तय कर करके पहुंचे हैं अपने घर पर। ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पुलिस जो है करवाते हुए यहाँ पर पहुँची है, करवा रही है, बता रही है, बार बार अनाउंसमेंट करके ये बताया जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कीजिए और जहाँ पर उनको जाना है उनको पूरी तरह से गाइडिंग के ज़रिए उनको बताया जा रहा है। ये इस वक्त सबसे पहले तस्वीर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से, ये देखिए कि लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, ये मजदूर हैं पहुँचे हैं और पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दिया गया है क्षेत्र को। NDRF की टीम भी, तमाम टीम जो है वहाँ पर मौजूद थी, वहाँ पर पहुँचे थे, वो उसको लेकर के जो है वो यहाँ पर पहुँची थी, इधर इधर पकड़ी, उसको लेकर के यहाँ पहुँची थी। और यही वो मजदूर हैं जो ट्रेन से, हम आपको ये भी अपडेट दे दें कि दानापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ये पहुँचे थे यात्री और एक एक करके, यानी कि एक बोगी को ही केवल एक बार में खोला जा रहा है, उसके बाद दूसरे बोगी को खोला गया है, तीसरे बोगी को खोला जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करते हुए मजदूर जो है वो अपने घर पे पहुंच रहे हैं। हम आपको ये भी अपडेट दे दें कि इनके बाद यहाँ पर सबसे पहले इनको थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, इनको जांच किया जाएगा, उसके बाद जैसे जिस जिले के ये लोग हैं, जिस जिले में ये रहते हैं वहाँ भी अगर वो जिले तक पहुँचते हैं उसके बाद इनकी जो है वहाँ पर जाँच वहाँ पर फिर से की जाएगी। सीधी तस्वीर इस वक्त दस डी न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मजदूर देखिए ये पहुँच चुके हैं और सीधी तस्वीर देखिए। और वरीय लोग हैं वहाँ पहुँचे थे, लेकिन ऐसी तस्वीर हमें कुछ बिहार से नहीं दिखी खासा, बस केवल पुलिस के वरीय अधिकारी मौजूद हैं, DM मौजूद हैं, SSP मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह के कोई मंत्री, कोई नेता, मुख्यमंत्री तमाम सहित यहाँ लोग नहीं पहुँचे थे, बस केवल पुलिस के जवान ही यहाँ पर मुस्तैद हैं। पुलिस के जवान, देखिए छोटे बच्चे भी हैं, ये छोटे बच्चे भी हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सीधी तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं दस डी न्यूज़ पर जो, और यही आ रहे हैं ये लोग, चेकिंग इनकी होगी, उसके बाद जो है देखिए किस तरह से अपने कंधों पर, अपने माथे पर ये जो भोजन है, छोटे बुजुर्ग भी हैं, छोटे बच्चे हैं, तमाम वो लोग हैं जो इस वक्त इस स्पेशल ट्रेन से आखिरकार अपने घर पर पहुंच चुके हैं। देखिए किस तरह से सामान की जो है वो सामान भी इनके माथे पर ये रख कर कर गए हैं, ये आ रहे हैं वापस। तमाम मजदूर रह चुके, एहतियातन के तौर पर इनको ये देखा गया है कि महिलाएं भी हैं, ये देखिए लगभग 1100 से 1200 मजदूर जो हैं ये पहुंचे हैं इस वक्त दानापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। ये ट्रेन रुकी, स्पेशल ट्रेन चली थी कल रात में, ये ट्रेन यहां से खुली थी, उसके बाद जो है इसमें कई छात्र हैं, कई मजदूर हैं, कई तमाम लोग हैं जो इस ट्रेन के ज़रिए यहां पर पहुंचे हैं। सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए सामान जो है वो ट्रॉली है, पीने का पानी है, वो तमाम लोग लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। तो जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, जो यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं, हम आपको ये अपडेट कर दें कि एक एक बोगी ही केवल खोला जा रहा है, एक एक बोगी ही पहले ओपन किया जा रहा है, एक एक बोगी में ही ये लोग, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं
और चूँकि भीड़ को देखते हुए ट्रेन में काफ़ी भीड़ है, तमाम मजदूर हैं, तमाम लोग हैं। देखिए किस तरह से छात्र जो है अपना, मुझे लगता है ऐसा कि अभी तक जितने सामान उन पर मौजूद थे उन तक वो सामान जो है, ये देखिए पानी का बोतल है, पानी का बोतल है, पानी के बोतल को भी लेके जा रहे हैं। तमाम वो लोग हैं, सब लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो साफ तौर पर वो यहाँ पर इस वक्त पहुँचे हैं। अरे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, अदरवाइज मत लीजिए उसको, अदरवाइज मत लीजिए। ये देखिए वो महिला, ये देखिए छोटा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा किस तरह से यहाँ पर पहुँचा है, पैदल आ रहा है। इसको शायद मुझे लगता है कि पता भी होगा या नहीं पता होगा कि आखिर इसको क्यों इस कंडीशन में वापस आना पड़ा। तो ये एक जिस तरह से वैश्विक महामारी है, वैश्विक महामारी में हम सबको साथ मिलकर के लड़ना है, साथ मिलकर के चलना है। ऐसे में जो देखिए वो कार है, छोटे बच्चे हैं, ये देखिए महिलाएं हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग आ रहे हैं यहाँ पर, जा रहे हैं। चूँकि एहतियातन के तौर पर हम ये भी कोशिश करेंगे कि दूरी बनाकर इनसे हम कुछ जानकारी भी लें कि कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के, इनको क्या कुछ महसूस कर रही हैं ये लोग। ये देखिए छोटे बच्चे हैं जिसको ढकी हुई है, कैसा लग रहा है आके, हाँ ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, दो बच्चे हैं वो लेकर के आए हैं, छोटे बच्चे के साथ आ रहे हैं, परिवार के साथ आ रहे हैं। तमाम वो लोग हैं अपने जीवन भर के जो अभी तक जिन्होंने वो कमाया है उसको लेकर के यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को आ रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। दूरी थोड़ा बनाइए। ट्रेन में क्या क्या व्यवस्था था? ट्रेन में क्या क्या व्यवस्था? खाना का व्यवस्था, खाना का व्यवस्था था। कहाँ से हैं आप लोग? राजस्थान से। राजस्थान से। कैसा लग रहा है आके वापस? चलो चलो चलो। ये देखिए ये तमाम लोग हैं जो बता रहे हैं कि ट्रेनों में भी इनको खाने की चीज़ दी गई है, ट्रेनों में भी सारे बंदोबस्त किए गए थे, यहाँ भी पुलिस प्रशासन के द्वारा तमाम मुस्तैदी की गई है किसी तरह की कोई चीज़ ना हो इसको लेकर के, ये भी है कुछ लोग भी है। कहाँ से आप आ रहे हैं? सर राजस्थान। राजस्थान से? राजस्थान जयपुर से। कैसा लग रहा है वापस आके? बहुत बढ़िया। तो ये देखिए कि ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर दादा, यहाँ लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, एक एक करके भीड़ करके उनको यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। बार बार एहतियातन के तौर पर भी ये भी संदेश दिया जा रहा है कि आप लोग दूरी बना करके पानी को। कहाँ से आए आप? जयपुर से। जयपुर देखिए तमाम लोग हैं जो जयपुर से, इस वक्त जो स्पेशल ट्रेन चली थी वो मिला था। ट्रेन में था व्यवस्था सब? सब साफ तौर पर देखिए। वैशाली जिला, जयपुर, राजस्थान। ये देखिए ये लोग हैं तमाम लोग। कैसा लग रहा है वापस आके? बहुत सही है। सही है, खुश है वापस आके? खुश है, खुश है वापस आके? और हम आपको ये भी अपडेट दे दें कि इसके बाद भी इनका जो है थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा, अगर ये जिस जिले से हैं वहाँ जाएंगे वहाँ पर उनको। यहाँ से अब कब कहाँ जाना है आपको? बिहार जाना है। कहाँ? अररिया डिस्ट्रिक्ट। अररिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अररिया से हाँ। कैसा लग रहा है? अररिया जाना है हमको। अररिया जाना। पानी की गैलन भी है, पानी की बोतलें भी हैं, तमाम वो चीज़ हैं जो यहाँ पर लेकर के। ये देखिए बोरा है पूरी तरह से, मुझे लगता है कि इसमें तमाम वो चीज़ होंगे, कपड़े होंगे, वो सब लेकर के भी लोग जो है अपने इस घर को वापस चले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर ये सोचने वाली हो जाए कि जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई भी यहाँ अगर राजनीतिक दल से कोई भी पार्टी इस वक्त यहाँ पर नहीं पहुँचा है, जिस तरह से झारखंड में कल जो है, झारखंड में कल स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहाँ पहुँचे थे, वहाँ खुद उन्होंने लोगों का स्वागत किया, मॉनिटरिंग देखी, लेकिन अभी तक सिर्फ बिहार में इस पुलिस प्रशासन को छोड़ करके बिहार में राजनीतिक दल से कोई भी व्यक्ति इस विशेष परिस्थिति में नहीं पहुंचा है, ये एक बड़ा सवाल जो है वो कहीं ना कहीं बनता है, उठता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं, ये हैं तमाम। कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से। कैसा लग रहा वापस आके? क्या करते थे जयपुर में? आइसक्रीम फैक्ट्री में। आइसक्रीम फैक्ट्री में? अब भी आइसक्रीम फैक्ट्री?
क्या करते थे? आइसक्रीम। उतना दिन से फंसे थे, कैसा लग रहा था, क्या लग रहा था? क्या दिक्कत तो हो रहा था। क्या क्या दिक्कत? ऐसे थोड़ा खाने पीने का, और खाने पीने का दिक्कत हो रहा था। ये देखिए खाने पीने की दिक्कत है, तमाम लोग हैं, ये पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, पुलिस अधिकारी हैं, सभी मॉनिटरिंग को एक एक करके ध्यान में देख रहे हैं, जीत कर रहे हैं साफ तौर पर। हम सिर्फ तस्वीर दिखा रहे हैं, उसके बाद जो है वो चेकिंग की वहाँ पर की जाएगी। छोटे बच्चे हैं, पैदल चल रही है। ये देखिए पानी का बोतल जो है वहाँ से दिया गया है उनको, ये साफ तौर पर। कहाँ से आए हैं? क्या करते थे वहाँ? बॉर्डर प्लांट में काम कर। कौन कौन आए हैं वापस? आए तो ढेर। कौन कौन? मैं अपना गांव के तो दो आदमी हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, काम करते थे, कोई फैक्ट्री में काम करता था, कोई वहाँ पर सोनार का काम करता था, सोने का काम करता था। तमाम वो लोग हैं जो वापस यहाँ पर आए हैं। क्या करते थे आप वहाँ पे? कहाँ से आए हैं? मकराना से आए हैं। क्या करते थे वहाँ पे? वहाँ पे मजदूरी करते थे, सीसी का काम करते थे, आरसीसी का। अच्छा, खुश है सरकार ये जो? जी खुश है, हमारे गांव भेज दिया, भेजने जा रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। उनको धन्यवाद करता हूँ, हमारे गांव भेज दिया। इतना दिक्कत होता था वहाँ? बहुत दिक्कत होता था, एक महीने का था लॉकडाउन तो बढ़ा दिया, इससे हम लोग को दिक्कत हो गया, जितना कमाए थे सब खा गए। सब खा गए। ये देखिए ये जितने कमाए थे उतना उतना ये बता रहे हैं कि इन्होंने खा लिए हैं। आप कहाँ से आए? राजस्थान से। क्या करते थे? काम करते थे। काम करते थे। ये देखिए महिलाएं भी हैं, कैसा लग रहा है? ठीक है, खुश हैं ये लोग साफ तौर पर। खुशी जो है बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि खुश होंगे ही आखिर, क्योंकि अपने घर पर लौट गए। आप क्या करते थे? पानी का बोतल भी है साहब। क्या करते थे वहाँ? कहाँ से आए हैं? वहाँ पर लेबर काम करते। लेबर मजदूर। अच्छा, कैसा लग रहा है वापस आकर? बहुत खुश रहे। कहाँ के रहने वाले हैं? मधेपुरा जिला के। मधेपुरा जिला के। वहाँ पे क्या कर? लेबर का काम। कैसे परेशानी क्या क्या हुआ बताइए थोड़ा, वहाँ पे इतना दिन बंद थे तो परेशानी कुछ नहीं। देखिए मधेपुरा जिला से हैं, मधेपुरा जाएंगे। अब हम आपको ये भी बता दें कि ये जब वापस वहाँ जाएंगे तो इनको वहाँ भी चेकिंग की जाएगी, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है पानी का बोतल भी इनके हाथ में है, पानी का बोतल भी दिया गया है। तमाम लोग हैं वो देखें, वो देखिए तो कोई नागर से था, कोई जो है वो यहाँ से था। कैसा लग रहा वापस आके? हेलो, कैसा लग रहा वापस आके? ठीक है, चलो। हाँ। क्या दिक्कत होता था वहाँ? यही तो घूमता है। खाना वाना मिलता था? हाँ। वहाँ पे अभी ट्रेन में क्या क्या मिला खाने को? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी और पानी का बोतल। हाँ। वापस आ गए हैं, कैसा लग रहा है? खुश हैं? क्या कहेंगे? देखिए साफ तौर पर ये लोग हैं, चूँकि अभी चल करके आए हैं, तमाम पूंजी थी, तमाम वो चीज़ थी जो यहाँ पर उनको दिया गया था, तमाम वो चीज़ें थी जो तमाम है। ये पूरी लाइन इस वक्त हम सीधी तस्वीर आपको दिखा दें कि पूरी लाइन यहाँ पर लगी है, पूरे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक कर कर के वापस आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो तमाम लोग हैं यहाँ पर। ये देखिए गठरी भी है, वहाँ पे है कम लोग हैं। क्या करते थे वहाँ पे? कहाँ से आए हैं? जयपुर से। क्या करते थे? पानी का लाइन डाल लेते हैं। पानी का लाइन। वापस आके कैसा लग रहा है? अच्छा, अभी ये देखिए तमाम लोग हैं वापस है, तमाम लोग हैं, ये है पूरी तरह से। हम आपको सीधी तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं 10D न्यूज़ पे कि किस तरह से लोग यहाँ पर वापस आए हैं। अच्छा ये बताइए वापस फिर जाइएगा? देखो सर, बिहार में क्या है कि मजदूरी तो है नहीं, जाना तो पड़ेगा ही। हाँ। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या खेती बाड़ी अपना है नहीं, गरीब लोग है। हाँ। खेती बाड़ी होता तो कुछ काम भी कर लेते हैं। ये भी बता रहे, देखिए ये भी स्वाभाविक सी बात है, चूँकि हम ऐसे एक राज्य से हैं जहाँ पर पलायन जो है हमारे लिए बहुत मजबूरी की चीज़ है, यहाँ पलायन करते हैं। आज जो ये तस्वीर इस वक्त आप दिखा रहे हैं वो देखिए डीआरएफ की टीम भी है, तमाम चेकिंग कर रहे हैं, तमाम वो चीज़ है जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी ये देखिए कि आज आखिर ये तस्वीर, मुझे लगता है कि ये साफ तौर पर जो है वो सोचने पर भी बहुत सारी बात जो है विमर्श कर जाती है कि एक वैश्विक महामारी हमारे देश में आती है, दुनिया में आती है, और उसके बाद की तस्वीर ये है जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
आखिर क्यों ना इनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो पाती कि ये अपने घर पर ही रहते, ये यहीं पर रहते, ये कहीं वापस जाते नहीं, और अगर नहीं जाते तो ऐसे चीज़ जो है इनके साथ दोबारा ना होती। फिर से जिस तरह से मजदूरों से हम लगातार आपकी बात करवा रहे हैं, सुन रहे हैं आप, कि इनको स्वाभाविक सी बात है कि ये जाएंगे ही, खाने पीने के नहीं है। क्या करते थे वहाँ पे आप, कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से? परवेश शहर। अच्छा अच्छा, ये बताइए फिर वापस जाइएगा? काम चलेंगे तो जाएंगे। क्या क्या दिक्कत हुआ था वहाँ पे? यहाँ पे तो कोई चीज़ का दिक्कत नहीं मिल रहा था, खाना पीना सिर्फ पैसे का दिक्कत हो रही। अभी ट्रेन में क्या क्या मिला आप लोगों को? ये आगे रास्ते में मिले थे खाना, खाना दिया गया। आपको कैसे पता लगे? खुद डीएम साहब जो हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात बता रहे हैं। डीएम कुमार रवि इस वक्त हैं, पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रहे हैं, सुबह से ही ये लगे हुए हैं, एसएसपी साथ में मौजूद हैं, तमाम वो चीज़ों को दिखा रहे हैं इस वक्त। ये देखिए ये लोग हैं, ये चीज़ है जो बता रहे हैं। कैसा लग रहा है वापस आके? हाँ सर, कैसा लग रहा है वापस आके? हम लोग तो ठीक आ रहा है। दिक्कत हो रहा था कहाँ पे? जहाँ लह रहे थे। कहाँ से आए? हम तो मखराना से आए हैं सर। अच्छा, मखराना से आए हैं। मखराना से? हाँ जी, मखराना। अच्छा अच्छा, वापस फिर जाइएगा वापस? हाँ, लॉकडाउन खुलने के बाद ही पैसा। अच्छा, ये देखिए साफ तौर पर जो हैं वो है खुद एसएसपी उपेंद्र कुमार सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं, सुबह से ही लगे हुए हैं, सुबह से करे हुए हैं, पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं तमाम तरह से। तो ये देखिए मॉनिटरिंग की जा रही है। ये वो मजदूर हैं जो इस वक्त वापस आ रहे हैं, छात्र भी हैं, तमाम लोग हैं, सब एक एक करके जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए गोल घेरा बनाया गया है, जिसका पालन करवाते हुए इनको वापस जो भेजा गया। एनडीआरएफ की टीम भी यहां पर मुस्तैद है, तमाम चीज़ में किसी तरह की कोई घटना ना घटे इसको लेकर के भी लगातार जो है वो दिक्कत आ रहे हैं। देखिए जयपुर से चलते आ रहे हैं ये लोग, जयपुर से काम करते हुए आ रहे हैं तमाम वो लोग हैं। एनडीआरएफ की टीम कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से है, छात्र है, तमाम लोग हैं। कैसे आए हैं वहाँ से? कैसे? ट्रेन से। ये बताइए रास्ते में क्या क्या मिला आप लोगों को? खाना पीना मिला, पानी सब कुछ मिला। सब चीज़ मिला। हाँ, टिकट वहाँ पे कौन कटवाया था? आप लोग कटवाए थे या नहीं? नहीं, टिकट तो उन्होंने दिया, सब कुछ व्यवस्था उन्होंने की, खाना पानी टिकट सब कुछ का व्यवस्था वहीं का सरकार ने किया। अच्छा, खुश है? खुश है। यहाँ आ गए, अपने घर आ गए, इसके बाद अब कहाँ जाना है आपको? अपना घर जाएंगे। कहाँ? सहरसा जिला। सहरसा जाएंगे? क्या करते हैं? रोड का काम कर रहे थे। वहाँ दिक्कत कुछ हो रहा था क्या? दिक्कत हुई बस, लॉकडाउन में खाना पानी नहीं मिल रहा था, एक दो बार दिया उसके बाद नहीं मिल रहा था। नहीं मिल रहा था? पैसा? अच्छा, पैसे तो नहीं था। अच्छा, तो राशन उधार लाते थे किसी के साथ। घर से बात करते थे तो क्या बात होती थी घर में? घर से क्या बात होगा, बोल रहे थे कि घर से अब जैसे तैसे वहाँ पे रहो। अच्छा, ये बताइए कि जब ये पता चला कि वापस आना है तो क्या लगा? क्या लगेगा, खुशी हुआ? खुशी हुआ, अभी बहुत खुश है। खुश है, वापस जाइएगा? घर जाएंगे। वापस जाइएगा इसके बाद? जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तमाम लोग हैं जो जाएंगे, वापस भी जाएंगे, ये बता रहे हैं कि जो सरकार थी राजस्थान सरकार, उन्होंने साफ तौर पर उनके टिकट की भी बंदोबस्त कर दी, टिकट भी जो है वो उनको कटा दिए, जिसके बाद वो लोग वापस आए हैं। चूँकि इनको रास्ते में ही सारी चीज़ खाने पीने की भी व्यवस्था कर दी गई थी, और जिसके लिए ये काफ़ी खुश हैं। और साफ तौर पर स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरह से स्पेशल ट्रेन चलाया गया है, उसके बाद 6 और विशेष ट्रेनों को चलाए जाने हैं, कोटा से भी वापस आएंगे। महिलाएं हैं, छोटे बच्चियां हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको, सब लोग वापस यहाँ पर आ रहे हैं एक एक करके। ये इस वक्त सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
रुक गए लगातार। हमारे सीनियर रिपोर्टर भी हैं देवासी जी, तस्वीरें तो कुछ अजीब से भी आना हो तो जाहिर सी बात है, कई बच्चे गोद में हैं और कहना था कि खाना पीने का व्यवस्था। सबसे बड़ी बात ये देख लीजिए कि झारखंड की अगर तस्वीर कल की मैं आपको बताऊं तो वहां मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के अलावा यहां पर देखिए सरकार का कोई भी प्रतिनिधित्व मंत्री नहीं है। सिर्फ ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए ही वो संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। आज पुलिस के तमाम उन जवानों को हम सैल्यूट करते हैं, तमाम उन सभी अधिकारियों को सलाम करते हैं जिनके जज्बे को सलाम है। देखिए किस तरह से सुबह से पुलिस के प्रशासन यहाँ मुस्तैद है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और इसमें कहने में किसी तरह की कोई बुराई नहीं है कि आधिकारिक तौर पर पुलिस नेता मंत्री जो कि सिर्फ ट्विटर के जरिए, सिर्फ फेसबुक के जरिए, सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात को कहते हैं, आज कोई भी एक जो उनका बंदा है यहाँ पर नहीं पहुँचा है। सिर्फ पुलिस और पुलिस के प्रशासन और अधिकारी यहाँ पर मुस्तैद है। कल झारखंड की मैं बात बता दूँ तो वहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं पहुँचे थे, उन्होंने सबका जायजा लिया। लगभग 3 से 4 घंटे वो हटिया स्टेशन पे रुके थे, लेकिन आज देखिए आज कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा। लेकिन फिर भी जब हम मजदूरों से बात कर रहे हैं राजन, तो साफ तौर पर उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी है, वो बता भी रहे हैं कि बिल्कुल हालात सुधर जाएंगे तो हम लोग बिल्कुल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए राजन कि किस तरह से आखिर इन्हें वापस क्यों जाना, मतलब आखिर ऐसी तस्वीर हमारे सामने क्यों आई, क्योंकि हम एक ऐसे राज्य में हैं जहां पर पलायन सबसे ज़्यादा मुख्य, पलायन जो है वो सबसे बड़ी समस्या है जिसके कारण यहां पर रोजगार नहीं मिलते हैं, अधिक नंबर के लिए उनको जाना पड़ता है। तमाम लोगों से हम बात कर रहे थे और ये भी बात है कि उनको 300 रुपये का टिकट जो है उन्होंने सरकार कटवा के दी और उसके बाद फिर ये लोग वहाँ पहुँचे। ट्रेन में अगर हम बात कर लें तो ट्रेन में उनको खाने के लिए ट्रेन में उनको चीज दिया, पानी का बोतल है और छोटे छोटे बच्चे हैं। लगातार सुबह से हम दोनों जो हैं हमारी तमाम टीम जो है अपडेट दिखा रही है, अपडेट हम लगातार कर रहे हैं और आप भी बने हुए हैं। देखिए किस तरह से देवासी जी एक तस्वीर बताइए, कई मजदूरों का कहना है कि अब बिहार में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई आफत की घड़ी आती है तो कोई सरकार ध्यान नहीं देती, बिहार सरकार ने हमें घर बुलाया जी। देखिए सबसे बड़ी चीज़ यही बात है ना कि अगर जिस पे बीतती है वही सिर्फ समझ सकता है जिस पर वो। आप बताइए कि लॉकडाउन का इतना दिन वक्त गुजर गया, इतना दिन हो गया, तो लॉकडाउन में जिस तरह से ये लोग फंसे थे उनकी जो है जो हालात हुई थी, जैसा कि हम एक छात्र से बात कर रहे तो ये बता रहे थे कि घर में हम लोग झूठ बोलते थे कि हमारे पास पैसा है अभी, जबकि उनके पास पैसा नहीं था, पैसा खत्म हो चुका था। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी व्यक्ति को जब बाहर में परेशानी होगी तो वो अपने ही देवासी से हम लोग चलते चलते बात कर लेते हैं जो लाइव पे हैं, वो भी लोग वो नज़ारा देख ले कि किस तरीके से जो प्लान हो रहे थे, हम लोग इस तरह पहुँचाते हैं। और देवासी एक खास बात और आइए रिकॉर्डिंग चल रही है। तो साफ तौर पर लगातार हम अपने तमाम सहयोगियों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मजदूर जो हैं वापस आ रहे हैं, जिससे खास बातचीत हमने भी कराई है। तमाम अपडेट और लाइव इस वक्त आप फेसबुक पर बने रहिए। मुझे और मेरे सहयोगी सोनू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।